शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज़िकोमो की दुनिया गुनाहों की है। मेरा आदमी जो इसे अंदर बाहर से जानता है उसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? वो जाना चाहे तब भी नहीं। ज़िकोमो के साथ रहने वाले ज़िकोमो के साथ ही मरते हैं। आखिरी सांस ले रही है फिर भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहती माँ। वचन मांग रही है, जिंदगी भर में ये बोझ नहीं ढो सकता। अब मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाओ। Bye.
परेश, क्या है? आधा कप चाय के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ बे, तू पत्ती काटने आसाम जाता है या गाय का दूध लेने तबेले में? जल्दी क्या है, शाम तक तुम लोग यही कुर्सी पे पकाने वाले हो। चल कोई लड़की को बाड़ी में भगा लिया जा रहा है। जल्दी चलो, लड़की रो रही थी, मार रही थी, साले थे। आराम करो ना मोटरसाइकिल। गाड़ी रोक, बे चल ला गाड़ी रोक, अबे रुक, 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 रंगे हाथों पकड़ा मैंने तुम्हारे भाई को। 5 लीटर पेट्रोल से मेरा हफ्ता निकलता था पूरा। पिछले हफ्ते 3 बार गाड़ी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो उसे गैराज ले जाओ, मैकेनिक के पास। इस बेचारे को क्यों धो रहे हो? हद हो गई है। अरे गाड़ी ठीक है, गाड़ी ठीक है। तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ भाई निकम्मा, इसको तुमने बिगाड़ रखा अपने लाड़ प्यार से। मेरी गाड़ी में से पेट्रोल चुरा के अपनी बाइक में डाल रहा था, मैंने पकड़ लिया। और जरा इनसे पूछिए, ये सुबह सुबह पाउडर परफ्यूम पोत के किधर जाता है, क्या करता है, जरा पूछो। जूते मेरे, बेल्ट मेरी, और 3 महीने से मेरे 3 जांघिए भी गायब है। नहीं चाहिए चोर मेरे घर में, नहीं। पंकज को चोर मत कहना। कहूंगा, बेहिचक कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? अरे मेरी पीठ पे बैठ बैठ के मेरी कमाई चुन चुन के ऐसे खाता है जैसे भैंस की पीठ पर बगुला। अपने बलबूते पे एक पैसा कमाए तो मानू, और जब तक नहीं कमाता ये चोर है, उचक्का है, डाकू है। और समय आएगा तो मैं यहाँ भी लिखूंगा मेरा साला चोर है। बात का पतंगड़ मत बनाओ। अरे आज तुम चुनाव कर लो, या तो इसको घर से बाहर निकालो या फिर मुझे। अरे जाओ चोर उचक्के, चुन ले चुन ले। अबे गाड़ी रोक, मुझे कनु। अबे रोक ना, अबे रोक ना, क्यों एड़े। हाय कनिका। हाय कनु, कैसा रहा दिन? बहुत थकी आ रही लग रही हो। ए चल उतर बे, चल चल। ए कनु, तुमने अपने मेडिकल कॉलेज में हड्डियां तो देखी होंगी ना, एक दिन गिनवानी थी इसकी। आओ ना लिफ्ट देता हूँ। तुम ऑलरेडी डबल सीट हो। मैंने तुझे कहा था ना, चल उतर रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, पैर दिए हैं भगवान ने मुझे, चली जाऊं। लड़की मिली तो दोस्त पैदल। बाय। चल चल, नहीं तो आ जाएगी। चल 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 चल। ए भोलो, रुको, भाड़ा निकालो। आंटी हम लोग तो ये महीने का मिला के 2 महीने का बाकी है, चल भाड़ा निकाल, भाड़ा निकाल। आज की ताजा खबर तो सुन लो, हमारी नौकरी पक्की होने वाली है। और तुम? हम लोग आंटी ने झोंक मारा, आंटी ने झोंक मारा रे, आंटी ने। आंटी हम लोग की पगार 5 गुना बढ़ने वाली है। झूठ बोलता है, प्रोविडेंट फंड भूल गए? हाँ अब कड़की खत्म। मैं आपके 1 साल का किराया पहले ही दे दूंगा, क्योंकि ये घर मेरे लिए बहुत ही लकी है। लेकिन जब से तुम लोगों ने मेरे फाटक में पहला कदम रखा है, मेरा तो 7:30 का फेरा शुरू हो गया। हमारे भी फेरे शुरू होने वाले हैं, इतने सारे लोग जो पीछे पड़े हैं। क्यों, हथकड़ी लगवानी है? नहीं नहीं, वो बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ रहे हैं। तेरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पैसे देकर शादी नहीं करूंगा। मुझे तो एक पढ़ी लिखी नेक सफेद कोट वाली लड़की चाहिए, जिसका नाम क से शुरू हो तो बेहतर होगा। एक अधिक, तू क्या यार सुन रही है? चल अंदर, चल अंदर, चल। देखो अब मैं तुम दोनों के बंडल बकवास में आने वाली नहीं हूँ। नौकरी कच्ची या पक्की, अगर हफ्ते में मुझे किराया नहीं मिला तो मैं तुम्हारे कमरे को पक्का ताला लगा दूंगी। और ये क्या हो रहा है मेरे घर में? हाँ
पहले तुम दो बैल थे, उसके बाद और एक सांड आ गया, और अब तो एक लड़की और एक लड़का। अभी के अभी उनको बाहर फेंको, नहीं तो मैं। कौन लड़की कौन लड़का मुझे क्या मालूम, तुम ही देखो। ये मेरा दोस्त है गोपी, प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, और ये उसकी 12 होना, मैं बताता हूँ। इस तरह आना, इधर आना। यार सुन, प्यार का चक्कर है, बेचारे घर छोड़ के आए। गोपी एकदम अपने जैसा है, क्या है, जेब है तो कौड़ी नहीं, बाल है तो कंगी नहीं, और नेहा जो है ना करोड़पति है, लेकिन फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि चोरी छुपी घर छोड़ के आए, और उसका रईस बाप बेचारे गोपी की जान के पीछे पड़ा, और छुपने के लिए कोई जगह नहीं। तुम, मैंने सोचा दो प्यार करने वालों की तुम जैसे रहमदिल इंसान ही मदद कर सकते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वो चुड़ैल इनकी हमारी सबकी हड्डियां बाहर फेंकेगी। यार मैं उनको जबान दे चुका हूँ यार, हाथ और पैर तो नहीं दिया ना, जबान वापस ले ले चल। और एक मिनट, ये तो अपनी दीदी के पास रहता है ना। हाँ, तो इनको भी अपने साथ वहां पे क्यों नहीं रखता? क्योंकि अब वो मेरा घर रहा नहीं ना यार, वो साले ने मुझे घर के बाहर फेंक दिया। कौन साला? अरे मेरा जीजू साला यार, मैंने अपने रहने का इंतजाम एक दोस्त के यहाँ कर दिया जो 2 महीने के लिए बाहर गया, एक बार वो वापस आ जाएगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। क्या, अबे तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? एक तो देख इस गधे को देख कैसे फैला पड़ा है, जैसे ये पूल टेबल इसके बाप ने दिया हो, साला पूरे घर को धर्मशाला बना के रखा है। सुन, तू उनको खुद बोलेगा कि मैं बताऊं? देख मेरी, खुद बोलेगा मेरी बात, तू खुद बोलेगा, तू मेरे एक बार। दोस्त, पकिया ने हमें सब कुछ बताया, लेकिन मुश्किल है। सिर्फ 2 दिन, कोर्ट में शादी होने के बाद किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शादी के बाद अब रहोगे कहाँ, गुजारा कैसे करोगे? मैं फुटपाथ पे रह लूंगी, लेकिन गोपी के साथ। जब मुझे प्यार हुआ तब मुझे पता नहीं था कि गोपी इतना गरीब है, और अब क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों के लिए सबसे जरूरी होता है प्यार, और एक बार प्यार हो गया फिर लड़का गरीब अमीर चोर उचक्का कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, बस सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। कसम से मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा मुझसे इतना प्यार करने लगेगी, लेकिन सपनों को सच होना होता है तो वो हो जाते हैं। खैर, हम आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते, कोई और दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, चले। थैंक्स मैन, सॉरी। थैंक्स। एक तो जंगल में आग, ऊपर से चड्डी में नाग। ए, मामा का घर है, मामा की नौकरी है, फिर भी दिन भर यहीं पड़ा रहता है साला। उठ, चल चाय बना। अबे घर के असली मालिकों की कभी तो इज्जत कर, पुकटिया। चल खाता निकाल, हिसाब किताब कर ले। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये सब्जी वाले पांडे का 1,000, ऊपर से 1,500 ब्याज, इसको खत्म कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये दया कसाई का 3,084.50। और हाँ, देख ये चपरासी सतीश के 8,000 हैं, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल, इसे मैनेजर की तरक्की चाहिए। अरे इसमें 102 रुपया कम है। अच्छा तो मुझे क्यों दम देता है? ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। तू कागज चल, उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है, और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है, मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी पे दम। ये नरक तो जाएगा ही, और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा, ये मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार डालूंगा। पैसे दिए ठीक है, हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में, तो वो गले में टांग कर सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं, बाकी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए बाकी के? धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता?
एक केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू? ए सुन चौधरी, एक हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी, नौटंकी कहीं का। चल पान के गले पे बैठ। और सुन, गिन के रखे हैं पान, एक भी पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाऊंगा। और सुन, कल से वसूली पे तू जाएगा। अरे सुन, एक कॉफी लाना यार, वो अपना परेश है ना, यहाँ का वेटर था ना सारा। बोलूंगा भाई। शर्ट टाई यार, इतनी चमक दमक आई कहाँ से? ए परेश, इधर आ, 1 कोल्ड कॉफी। ओके सर। ये नया अवतार क्या बे? लोगों के झूठे बर्तन उठा उठा के मेरा क्या भला होने वाला था, इसलिए मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। वाओ, क्या बिजनेस है? हार्डवेयर की दुकान खोली है। पैसा कहाँ से लाया बे? डाका डाला? बैंक ने दिया। बैंक में जाओ, लोन की अर्जी भरो, पैसा तुम्हारे हाथ में। मतलब कोई भी मुंह उठा के बैंक से पैसा मांगता है और वो मिल जाता है? बैंक है कि शिरडी के साईं बाबा। सिर्फ तुम्हारे पास एक दुकान होनी चाहिए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दुकान चाहिए अच्छे इलाके में। बैंक तुमको लोन देगी 4 लाख, उसमें से 2 लाख कंपनी को दे दो डिपॉजिट के तौर पर। फिर किसी भी कंपनी में जाओ, साबुन, किराना, स्टेशनरी, किसी भी कंपनी में। ओके, कंपनी तुमको माल देगी 5 लाख का। आजकल लोग किसी भी चीज़ को इतनी तेज़ी से खाते हैं जैसे भूख की दीमक लकड़ी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा माल बेचने में। मुनाफा है 20%, तो महीने की आमदनी कितनी हुई? 1 लाख। बैंक लोन कितना है? 4 लाख। हाँ, तो 4 महीने में लोन, चारों खाने चित। 5वें महीने में दुकान तुम्हारे पास, 6वें महीने में 1 लाख तुम्हारे पास होगा, और 7वें महीने में। बस बस भाई बस, जरा फिर से बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। लोन के फॉर्म भरो, साइन करो, फिर दुकान के कागजात, जेरोक्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट के 10-12 जेरोक्स बना के एक मस्त फाइल बनाओ और बैंक को अपने नेक इरादे बताओ। जी हाँ, मिल जाएगा। आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, दुकान के कागजात ले आओ और पैसा ले जाओ। लेकिन ये दुकान कागजात किस दुकान से मिलेंगे? बेअकली के। अच्छा, अबे नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। पैसा 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 कहाँ से आएगा? अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था, ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ थूक खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ आएगा क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ, और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत। बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले, पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। क्या नाम बताया? सुनील नहाटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू। लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे साथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना समझे। रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे। मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? गिरवी क्या रखा है? मारू। मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने बिजनेस करने की क्या सोची, उन्होंने तो कर्जा देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो ब्याज पे ले लो। हाँ, लेकिन हर हफ्ते ब्याज देना पड़ेगा। उसकी फिक्र क्या दीदी, धंधे का पैसा बरसने लगेगा तब तक।
दो चार छींटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हट जरा। दीदी वो हमारी इतनी मदद कर रहे, जरा अपने हाथों से मिठाई दे देना प्लीज। 2 किलो की है, सोने का वर्क है। अच्छा हाँ। पहले तो मिठाइयाँ चांदी के वर्क में हुआ करती थी। अपने हाथों से ये मिठाई उन्हें देना और उनसे पैसे लेके हमें देना आशीर्वाद के साथ, उसी के लिए तो हम यहाँ आए। डोर आ गया, चलो चलो। आ गया हरामी। नमस्ते। आइए। घर तो अच्छा है, सामान इनका है या भाड़े पे लाए? इनका अपना है मामा जी। आप बैठी ना, बैठी ना, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी दीदी ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे हैं। दोस्त, ये और वो, तीनों दोस्त। रोकड़े लाया हुआ है, ब्याज देना पड़ेगा हर हफ्ते पूरे 10%। जिस दिन ब्याज चुके उस दिन सोना गायब। दीदी ये मामा जी, मामा जी ये दीदी जी। नमस्ते जी। आप बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। खुशी तो मुझे भी है, ब्याज जो लेने वाला हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दीदी दीजिए ना, बॉक्स दीजिए। लीजिए ना। कहने, कहने। अच्छा अच्छा, कितना है? दो दो? दो किलो, दो किलो। सोने का है ना? हाँ हाँ, वर्क वर्क, सोने का वर्क। हाँ सोने का ही है, आजकल चांदी का जमाना तो गया। थैंक यू। ये लो, ये आप अपने पास रखिए ना, आप कॉफी ले आइए ना मामा जी के लिए प्लीज। पंकज आप ले आइए ना, आप रखिए कॉफी। ये रहा एग्रीमेंट और ये दुकान की चाबी। अब 1 साल के लिए दुकान आपका, चाहे धंधा करो या भजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो 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 नो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आप? आपके पहले टकलू मैनेजर था, उसने कहा शोरूम के कागजात दिखाओ और लोन लेकर जाओ। हाँ वो टकलू था, मैं नहीं हूँ। मामा का लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने भारी ब्याज पे शोरूम के लिए रकम उठाई है। देखिए अगर आपने लोन नहीं दी तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, प्लीज देखिए। मैं लोन नहीं दे सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों? ये बैंक तेरे चाचा की है। गेट आउट, गेट आउट यू फूल्स। क्या हुआ? अबे रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? या मारा। अब पता नहीं क्या होगा। अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा, साले की खाल उधेड़ देंगे, बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है, जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबा रहे हैं, बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत, मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला, तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना, तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ, बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? अबे देख 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 कौन है? मामा कौन है? हीरो आया? ए शूटिंग है क्या? ए बोल ना। ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय। हाय। अरे तू यहाँ? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे? बाय द वे हाँ, हमारी शादी हो गई यार। अरे अरे ये गाड़ी भी तेरी है यार, तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ। शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं।
थैंक्स फॉर द सपोर्ट पकिया, चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस, बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार, हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारी भी निकल पड़ेगी। हाँ लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से, आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से। कोई चंचल शौक हसीना दिल ढूंढ रहा है, जो अनमोल नगीना दिल ढूंढ रहा है। कोई चंचल शौक हसीना दिल ढूंढ रहा है, जो अनमोल नगीना दिल ढूंढ रहा है। कोई पैसे वैसे वाली लगे फूलों की जड़ानी रखी दिल से जो हमको लगा के, बद कर प्यार कर दिन बदले हमारे अब मिले हमें आगे। ओ यारा ढोल बजा के, ओ यारा ढोल बजा के, ओ यारा ढोल।
सामान अंदर ले आना। जी। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे पड़ोस में आग लग गई। नहीं, आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी और एक दादा भी है। तो दादा फटाका है। नहीं नहीं, वो फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सो ये सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई, लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पकिया में वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है मारू, जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। ए भाई, मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। मक्कार, लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। हाँ। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी लेकर? बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। हाँ। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। बोलो, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। चलो हाथ मिलाओ। कहाँ है? आजा। अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या चेहरा? दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बायनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार? हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? आ? नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। माँ कसम, वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है, बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं, ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 निकलो, बार आओ। चौथा कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है, आज पैसे देंगे कल अमीर हो जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे कूड़े लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहाँ तो जंग चल रही है। हाँ। सारे इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई किधर? एक मिनट एक मिनट। अबे 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 मुझे भी देखना है। मारू रुकना। दिन में चैन न रात में शांति। अबे निकम्मो, खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टटरा रहे कान में कब से, अगर दांत पे दांत पजने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो
सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। भी गोटी तो तेरा नाम है। नाम क्या तेले ने, उधर देख। चढ़ने दे मेरे को, मुझे भी तो चढ़ने दे। उतर, क्यों क्यों ना उतर, अभी तीन जाऊंगा यहाँ से। क्या करना, एंट्री लास्ट और यहाँ फर्स्ट, नीचे उतर। क्यों यार, बोला ना उतर। सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, पहले हम देखेंगे बाद में तुम। चाय क्या? ये 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 झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू, हाँ तेरे को कसम है, उसका नाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापस आ जाना। हाँ माँ की आंख आधा हम देखेंगे। हाँ तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना, अरे इतनी देर, साले अब तक आए क्यों नहीं हरामी? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी, खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में एक लाश। जिसके चार हाथ है लड़की की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं कुछ तो हुआ है, साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से। चल दादाजी, अब तक तैयार नहीं हो? मैं आगे निकलती हूँ, आप गाड़ी लेकर ग्राउंड पर आ जाना। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई। यार उसने मुझे देखा। ए, नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हाँ तो उसमें तुझे देखा, क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती, चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, चार नहीं तीन। चलो तीन नहीं दो नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं, लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही है। क्या का 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 का? अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस बैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था, इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुमसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। मम्मी मर गए।
मर गया। मम्मी आगे चल रही है। चिल्ला मत, गोटे ही लोचे हो जाएंगे। अबे मुंह पहले पानी तो डाल, आगे चल रही है मेरी। ला 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 पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। अबे छाती नहीं, आगे चल रही है कुत्ते। चुप ना तू, इतना ऊंचा है तू। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों मुसीबत आते ही पेंधे को पैर ला के भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो। ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था, ये नहीं बोलना चाह रहा है। हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला भर चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलके जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी, जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू भुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे? क्यों, तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मैं कर लूंगा शादी उससे। शादी करेगा साला। अब और इस शहर में मैं नहीं रह सकती। क्या है शहर में, हुंडे मवालियों का शहर। रात की बात तो छोड़ो, कोई दिन दहाड़े मेरी जान के पीछे पड़ गया। क्या हुआ दादी, पैकिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ नासिक, वो भी जिंदा। पर हुआ क्या, बताओ तो सही। क्या क्या बताऊं, कोई सुनने वाला हो तब ना। क्या हुआ दादाजी? उसने सपना देखा है कि कोई उसे मारने आया है। सपना? तो तुम्हारा मतलब है कोई मेरी जान लेने नहीं आया था? आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं है। जो भी तुम्हें देखेगा जान लेने की ही सोचेगा, खुद मुझे कई बार ऐसा लगा है। हे भगवान, ये मर जात। लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत कौन कर सकता है, मैं कर पाया आज तक। और अगर तुम्हें कोई मारने आता तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ता? ये तो अच्छा हुआ बचपन में बाऊजी ने कुश्ती सिखाई थी, धावा बोल दिया मैंने उस पर, छुरा लेकर चढ़ गई उसके सीने पे। किसके सीने पे दादी? रितु बेटा, ये शहर खतरों से खाली नहीं है, चल वापस चलते। वापस चले जाए दादी, राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता किए बगैर? रितु बेटा, नासिक यहाँ से दूर नहीं है, वहाँ रहकर भी तो पता किया जा सकता है। नहीं, अगर हमें राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता करना है तो हमें यही रहना पड़ेगा। आपको डर लगता है तो आप चले जाइए, दादाजी को भी साथ लेके जाइए, मुझे यहाँ किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और जब तक मैं राहुल भैया के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेती, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। रितु बेटा, अगर इस घर में रहना है तो पूजा तो करवानी होगी। अब भगवान को क्यों अखाड़े में उतारती हो, तुमने तो कुश्ती सीखी है ना। हर बात खीखी करके उड़ा देते हो। अरे सच में इस घर में काले साये मंडराते नजर आते हैं। कल के कल रितु के लिए हवन करवाना ही होगा, जल्द से जल्द एक पंडित का इंतजाम करो। हाँ? क्या पढ़ रहे हो, कल एग्जाम है क्या? कल से जल्दी उठना, आज थोड़ी देर हो गई। चलो 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 जल्दी करते, चलो निकलते। तुम अपनी जॉगिंग शुरू करो, मैं अपनी हल्की सी कसरत कर लेता हूँ। okay.
गाड़ी बिगड़ गई। हमारे होते हुए बेचारा बूढ़ा अकेला धक्का मार रहा है। चलो चलो चलो, ये मक्खी हटाने के बहाने घी के बर्तन में हाथ डाल देते हैं। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी चलो, इससे पहले गाड़ी चल पड़े हम लोग। चलो 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 चलो। दादाजी आप टेंशन मत लो, हम लोग आ गए, हम लोग धक्का लगाते हैं। अरे बोले तू भी धक्का मार यार। अरे अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरी गाड़ी, सुअर की औलाद। सर कौन थे वो लोग? उनका राहुल के मामले से कुछ लेना देना तो नहीं? चेहरा देखा किसी का आपने? नहीं, टोपियां थी रंग बिरंगी, लाल हरी नीली, चेहरा दिखाई ही नहीं दिया। खुश मिजाज था राहुल, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हम भी हैरान है साहब, बिजनेस भी अच्छा था, निजी मामले कभी बताते नहीं थे, लेकिन ऊपरी तौर पे कभी कोई दरार भी महसूस नहीं हुई। हाँ दरार तो अब यहाँ है, इनके माँ बाप इन्हें मेरे हवाले कर गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संभालूंगा ये सब इस उम्र में। रितु का पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने में अभी साल डेढ़ साल बाकी है जी, उसके बाद तो यही संभालेगी ऑफिस। जी सर। तब तक आप MD की हैसियत से काम कीजिए, आपका नया मकान, इंक्रीमेंट, शेयर्स, ये सब CEO के साथ तय करके मुझे बताइए। जी सर। आइए। और एक बात, इसके बाद मैं दोबारा इस ऑफिस में नहीं आऊंगा। सर ये साइन। बुरी यादों से जूझना मेरे बस का नहीं है। इसके बाद जो भी काम हो वो घर पर भेज दीजिए। सोफी? ये सोफी कौन है? पता नहीं, स्टाफ में से तो कोई नहीं। लास्ट कॉल उसे ही किया है, 6 कॉल्स हुए हैं दिन में। नहीं, हमने कभी नाम नहीं सुना राहुल जी से। पिछले महीने के मोबाइल बिल्स दीजिए मुझे। अकाउंट डिपार्टमेंट में ढूंढने पड़ेंगे, जैसे मिलते हैं मैं आपको पहुंचा देता हूं। क्या कर रहे हैं? पतक पतक पतक, धुआं धुआं। शुक्र है भगवान तूने ये मौका दिया। साले भगवान ने मौका नहीं दिया, मैं नहीं देखता तो मौका नहीं मिलता। अबे छोड़ना, अब हम जाएंगे और जाके मेरी उसे बचाएंगे और उसकी आंखों का तारा बनेंगे। चल 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 चल। इतनी शांति क्यों है? चिलम चिली भी नहीं हो रही है। अरे साले हो सकता है जागे नहीं हो यार। दम घुट गया हो। अरे तुम लोग बातें मत करो, पाइप से पानी तो उतारो। पानी उतारो, पानी उतारो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके कुएं में कूद, कुएं से जाके पानी लेके जा, 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 जा। छोड़ो, जल जाएगी अंदर। साले मकान में जा, हट। पूजा पूजा जल्दी घोड़े, जल्दी कर, जल्दी कर, बहुत बड़ी आग लगी है। तो तू भी अंदर घुस जा। अबे साले पीछे क्यों आते? अबे इधर आग लगी है, तुम लोग बाल्टी से खेल रहे हो। अबे सैम कहाँ गया? अबे अबे साला अंदर जाके उसके सामने टिमटिम मारा होगा। दगाबाज साला, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। साला छाती फुला फुला के डिंगे मारा होगा अकेला। सत्यानाश कर दिया हवन का।
राम के पिल्ले तू है कौन? अरे आप बात क्या क्या कर रहा है? गोटी गोटी मार! स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। यहाँ एक बॉक्सिंग क्लब है, स्टर्लिंग क्लब। शायद वहाँ आपको जानकारी मिले उनकी। वहाँ का दोस्त भी कोई मिल जाएगा आपको। अच्छा, थैंक यू। मगर आप? मैं राहुल की छोटी बहन ऋतु त्रिपाठी। जी। पक्या, इधर आ। क्या हुआ? देखी तुझे क्या हुआ? साला दुनिया की सारी माल लड़कियों के भाई लुंगी में घूम रहे, एक इसी के भाई को बॉक्सिंग चैंपियन होना था। चलता है यार, देख थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ेगा ना। तू चुप, तू चुप। हाँ बोल, क्या बोलियो? आधे घंटे से घूम रहे हैं, बताना बताना क्या हुआ, बात क्या हुई, बताना बताना। उसने काउंटर पे अपना नाम बोला। बोलना बोलना, नाम क्या उसका? हाँ बोलना। रितु। वाह क्या बात है, रितु पंकज तिवारी, क्या जबरदस्त मैच है। जबरदस्ती का मैच है, है? बात तो इसमें रितु गौतम सिसोडिया कैसा लगा? छी सब बकवास है, सिसकिया विस्किया सब गंदा है। ये देखना रितु समीर आर्या, ऐसा लगता है जैसे दो अधूरे नाम जोड़कर एक पूरा बना है। कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसा लगता है? रितु मार्तन ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे। ऐसा लगता है ड्रम में बंदर कूद रहे। ए, देख देख देख, रितु की गाड़ी में कोई कांडी कर रहा है। चल हवा बनाते चल। वो तो रेडीमेड होती है। अरे रितु के दिल में अपनी हवा बनाते चल। हाँ। क्या कर रहा है बे साले? हाँ क्या है क्या है? को हवा निकालने का बहुत शौक है, हम लोग भी तो जानते नहीं हो। हाँ साले तो मक्कारी ऊपर से दादागिरी तेरी तो। मारता क्यों है? मारता क्यों है? ले साले को मारो, साले को क्या कर रहा है? मार क्यों रहे हो? सही कह रहे, सही कह रहे, अभी मत मारो, अभी मत मारो। रितु को आने दो, फिर मारेंगे। उसको भी तो पता चला हम लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही बात है ना। तू जा, तू जा, तू जाके देख आ रही है कि नहीं। देखो ये आ रही है, मारना शुरू कर। शुरू कर शुरू कर शुरू कर शुरू कर जमा देंगे रितु के साथ। मार दे, हवा निकाल दे तेरी। हवा भर, चल चल हवा भर इससे। साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है, मारो साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है। कहानी और ये नहीं। गोटी कल्टी मार! आ गया बूढ़ा, आ गया। अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट, ब्रेक मार, ब्रेक मार। तू क्या गुल खिलाने वाला है, मैं पहले ही बता दे। हाँ पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा? और तू संभाला, रितु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ कैसे विकेट गिरा कर। आता हूँ मैं। अरे देख देख, आ गए आ गए, जल्दी जा। हाँ कहाँ से जाएगा? अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ, अभी उठा देता हूँ। आंखें फूटी है क्या? ये सब मेरी बात सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की?
हमें भागो भारू को निकालो जल्दी। मजा आ रहा है ना पीट, अपने ढोल और पीट, फट गया ना। हाँ क्यों ना चढ़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उससे अपना जो खून बहाया उसमें तुम लोग पानी दे रहे, तू फिकर मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा, खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया, तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा, सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है, क्या क्या मुझे लगता है, क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि अबे क्या लगता है, तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ अच्छा ओके। दादाजी अरे हे भगवान ये क्या हुआ? आप ठीक तो हैं दादाजी? ये कैसे हुआ? अरे एक लड़के ने जानबूझकर मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सड़क पर केले के छिलके की तरह लेट गया। पूरी टोली थी रामी के साथ, मुझे अंडा समझकर फेंट रहे थे। कौन थे वो लोग? और कौन होंगे, उन्हीं चंडालों में से होंगे। जब मैं कह रही थी तो सपना कह के चिढ़ा रहे थे, अब खुद की नाक जली तो यकीन हुआ ना? मैं कहती हूँ अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। चायला एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, जरा आराम से बैठिए और मेरे को उस लड़के का हुलिया बताइए। लड़के का हुलिया? लड़का नहीं खच्चर था, खच्चर। एक गिलास पानी लाओ। अभी लाइए। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा, और कद उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ताजुब की बात है चायला, मुझे भी कब से ऐसे ही एक आदमी की तलाश है। मैं चारों तरफ उसकी खोज शुरू कर देता हूँ, पकड़ में आया ना तो मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप जरा चौकन्ने रहिए। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप मेरी कुछ हेल्प करेंगे? हाँ जी कहिए। ये एयरटेल का डिस्कनेक्टेड नंबर है किसी सोफी का, आपके ऑफिस से उनका पता मिल जाता तो। आई एम वेरी सॉरी मैडम, ग्राहकों की निजी जानकारी हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते, ये कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। आई अंडरस्टैंड, पर मुझे आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ बाहर आएंगे? चलिए। चलो वापस चलो। किधर, क्या हुआ? अरे उसका कोई है, अगर उसकी खिचड़ी पक गई तो अपना दाना जल गया समझो ना। मुझे कैसे पता? देख नहीं रहे हो कैसी गुटुरमु चल रही है? देखो कैसे हाथ में सरसा के बात कर रही है। चलो जा साली तू जा, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। हाँ बे, दो दिन पहले तो शहर आई है, फिर दो दिन में मजनू कहाँ से उगेगा? वही तो। चल ना मटकी फोड़ डालते हैं, अंदर पत्थर है कि सोना पता तो चलेगा। मेरी बहन को देख पानी टपक रहा था मुझसे, हाँ क्या हो रहा था उसके साथ? कौन बहन? ओ तो लौंडा माँ बहन भी नहीं जानता तू क्या? एक मिनट बॉस, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं समझा देता हूँ ये कौन है, जिस लड़की के सामने तूने मिठाई की दुकान खोली ये उसका भाई है। भाई? वो जो मर चुका है वो भाई? कौन मरा कब? उसका भाई। देखिए कौन मरा कैसे मरा मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा है कि भाई ने खुदकुशी की है, तो तुम लोग कौन हो? मैं भी भाई हूँ लेकिन जिंदा, और मैं उसका होने वाला पति। हम लोग बाद में तय करेंगे। ये कील तू दिमाग में गाड़ ले, मेरी बहन का पीछा छोड़ दे। ओ हेलो, मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं पड़ा था, वो खुद गिड़गिड़ाती हुई आई थी मेरे पीछे, अपने भाई के दोस्तों के बारे में पूछ रही थी और किसी सोफी के डिटेल भी चाहिए थे उसे। और क्या पूछ रही थी वो? तेरी बहन है तू उससे जाके पूछना, मेरी छाती पे क्यों नाच रहा है?
अब समझ में आया चीटी की कतार कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? लड़की को गुजरे हुए भाई के दोस्तों के बारे में जानकारी निकालनी है। हाँ तो चलो हम भी कतार की तरफ निकल पड़ते हैं। ये कतार सऊदी में है, तेरे पास पासपोर्ट है क्या? इसकी वन वे टिकट कराओ, कभी वापस ना आए साला कतार। ए, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। नमस्ते, हम लोग राहुल के दोस्त हैं, बॉक्सिंग करते थे साथ में स्टर्लिंग क्लब में, बहुत गहरे दोस्त हैं। तो हमारी क्लब इस साल भी मैगजीन निकाल रही है, तो राहुल की फोटो चाहिए यादों की शमा कॉलम के लिए। प्लीज सिट डाउन, लेट मी चेक। पढ़ क्या लिखा? ये मेरा फोटो नहीं है, ये क्या लिखा, क्या लिखा? मेरा नाम है कि नहीं? अबे सबका नाम है, ये देख, डीपली मोन बाय फ्रेंड्स, पंकज, मार्तंड, समीर, गौतम। मार्तंड तेरा नाम है? तो है। और पता इसका दिया हुआ है? क्यों? अबे तेरा कोई अता पता है? चल हाँ चलो, क्यों पूछ रहा है? चल तेरे को जो पट्टी पढ़ाई थी याद है ना? एकदम, मौका मिलते ही फटाफट मार दूंगा। हाँ टकाटक तोते की तरह बोल देना। बिल्कुल, अपनी जेब से कुछ मसाला मत डालना, जो हमने सिखाया है वही बोलना। ज्यादा बोले ना तो सब भूल जाऊंगा। ए, हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, अगर कोई गफला किया तो तुझे फोड़ डालूंगा। जैसे बोला वैसे ही करना। हाँ ठीक है। आइए, कौन चाहिए? क्या ये पंकज, मार्तंड, गौतम और समीर का घर है? हाँ 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 हाँ, आइए आइए। ये कौन है? ये मेरे मालिकों के बहुत ही जिगरी, बहुत ही गहरे और बहुत ही दिल के करीब वाले दोस्त हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन, ये तो मर चुके। इनसे नहीं, तुम्हारे मालिकों से मिलना है। जो पट्टी मेरे दिल में है ना, मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। मालिक के जाने के बाद चारों गम में डूबे रहते हैं, स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है, फोटो के सामने बैठकर गांधी जी की तरह रोते रहते हैं, सर पीटते रहते हैं। ओवर एक्टिंग की औलाद, पूरा गेम बिगाड़ देगा ये। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं फूटेगा, लेकिन ये बोल रहा था करेगा। ले कर दिया। मुझे मिलना है तुम्हारे मालिकों से। लेकिन वो यहाँ नहीं है, सबके सब बॉक्सिंग करने गए। कहाँ? स्टर्लिंग क्लब। अच्छा तो ठीक है, मैं उनसे वहीं जाके मिल लेती हूँ। ठीक है। अब उसके पहले हमें क्लब पहुँचना है। मुझे कुछ देंगे? हाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे। क्लब से लौट के बस बदन पे तेल लगा के रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है ठीक है, बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। वरना आएगी तो हमें खंभों की तरह खड़े दिखेंगे। कपड़े निकालो। ओए झूठ मूठ की बॉक्सिंग करेगा? तुम पागलों का भरोसा नहीं, सचमुच हाथ पैर तोड़ने लगोगे। ए मारू, समझा ना? अबे जाना, डरपोक कहीं का, लोग प्यार में जान दे देते हैं, तू दो चार घुसे ले दे नहीं सकता, बिल्ली का बच्चा कहीं का। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, काने बजाने कभी गाना। यार लेकिन ये जानवरों का जंगली खेल क्यों, कुछ और खेल खेलते ना। तू आंख में चोली खेल। अबे ऋतु का भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, अब अगर हम उसके दोस्त बन रहे तो हमें भी बॉक्सिंग आनी चाहिए। फूल के साथ गमले भी आए, मुंह छुपा ले, बूढ़ों ने देखा है मैं पहले। ये।
मैं पंकज, पंकज मैं। बाकी? वो बाकी के तीनों को मैंने भेज दिया। किधर? तेरे बाप की शादी में। क्या आप राहुल को जानते हैं? बॉक्सिंग चैंपियन राहुल। हाँ वही, मैं उनकी बहन हूँ। ओ रितु, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है आपके बारे में? आपको देख के तो मैं ये तो चारों खाने चित्त हो गए। ये बंदे उठते क्यों नहीं? वो मेरे मारने से मर गए थोड़ी देर के लिए, अभी आपके जाने के बाद इनकी जान में जान आ जाएगी। बहुत टाइम लगा थे ये लोग। इतने हट्टे कट्टे तीन पहलवानों को तुमने अकेले ने पानी पिला दिया। वैसे तो रोज के 5-6 मारता हूँ, आज 3 ही सही। आइए ना, वहां जाके बात करते हैं हम लोग। आइए ना, प्लीज प्लीज। चलो राहुल भैया, की अनबन थी किसी से या कोई दुश्मन दगाबाजी करने वाला? नहीं, क्यों? नहीं, वरना वो इस तरह अचानक खुदकुशी क्यों करेगा? मुझे लगता है जरूर किसी की साजिश है। पहले राहुल को खत्म किया, अब हम पर पिले हुए हैं। ये देखो, कमीनों के एक झुंड ने मुझ पर हमला किया और कोई इस पर भी मंत्र मारने आया था। हाँ, लेकिन मैंने उसे मार गिराया, और तो और हवन पे पानी फेंकने की भी जरूरत की किसी ने। कौन है ये कमीने जिन्होंने हमारा जीना हराम किया है, और क्यों? कोई खूंखार डाकू या सरफिरे लुटेरे होंगे, आपको उनका हुलिया याद है? छपे हैं दिमाग में, नींद में भी पहचान सकता हूँ। मुझे कुछ और जानकारी चाहिए थी राहुल भैया के बारे में। वेल, अभी तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो फिर कल कैसा रहेगा? ठीक है, जरूर, व्हाई नॉट। हाँ, ये लीजिए, ये हमारा कार्ड रखिए। हाँ। इस पर एड्रेस है, और जब भी आपको फुर्सत मिले चाय नाश्ते पे आइए, बैठ कर बात करेंगे। ठीक है, जरूर जरूर। नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। मैं क्या बोलूं? तो इतना क्यों मारा कमीने? ना, अभी उन लोगों ने तुम लोगों के थोबड़े देखे तो मैंने क्या घंटा मारा तुम लोगों का? गोटी ये? हाँ, लेकिन रितु ने हमें नहीं देखा। हाँ, और हम सब उससे मिल सकते हैं। हाँ, और रितु से कल तू अकेला नहीं, हम सबके साथ मिलेगा। और तू उससे कहेगा कि हम राहुल के असली दोस्त हैं। हाँ, और हमारे थ्रू तू उसके पास गया, और मिलने का वक्त और जगह भी हम लोग तय करेंगे। सोच के रहा है। सब जेल, डांस बार, झोपड़पट्टी, कचड़ा पट्टी, जहाँ जहाँ आपने मेरी ड्यूटी लगाई सब जगह ढूंढा, लेकिन मारू कहीं नहीं मिला। बुरा मत मानना साहब, आपने मुर्गे की बांग पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन बांग दोपहर की थी। अबे, जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है? मारू को मार गोली, पक्के के जीजा का क्या है? उनके घर पर तो कब से ताला ठुका है, अड़ोस पड़ोस में पूछा, लेकिन किसी को उनके नए घर का पता नहीं पता। अब देख, 2-4 नए इलाके में मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, तब तक तू शिकारी कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ नाक फुसफुसाता रहे, समझा ना? ब्याज तो बढ़ता ही रहेगा और सारे गहने अपने पास तिजोरी में बंद पड़े ही हुए हैं। चिंता की बात नहीं है रे दड़बदरे, सारी नाड़ियाँ अपने हाथ में ही है, हैं? आधा घंटा हो गया है। बोला था मैंने तुमको। अबे पता है उसे जगह, ये तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो, उसे 10:30 का टाइम दिया था, अभी 10 बज रहे। अच्छा सुन, हमारी पहचान तो इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब हैं, और हमने तेरी पहचान उससे कराई। हाँ हाँ, बोल दूंगा यार। अबे तू खड़ा क्यों? बैठ, हट, ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी। कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख। मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। फिल्म ट्राई कर लूं क्या? मामू, 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 तू रितु को फोन करके बोल कोरियन स्विमिंग पूल आ जाए, वहां भी एक कॉफी शॉप है। हाँ, लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को? चल फोन निकाल, चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ, निकाल रहा हूँ, अबे रुक ना। ये रहा। बिजी है, बिजी है? साले लगा हुआ है, कर बात। हाँ रितु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। रितु, वो मॉल के जगह हम लोग कोरियन थीम स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। अरे कर रहा हूँ ना, चालू कर, चालू कर फटाफट। अरे क्या जल्दी, तुझे मुझे भी तो मिलना रितु से। चुप कर, तू चलाने दे, तू रिपेयर करा के ला, मैं इनके साथ निकलता हूँ। रुको रे, मुझे भी ले चलो, चलो मुझे भी ले।
हाँ ऋतु, मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ ऋतु, स्लाइट चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियंथियन क्लब मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बुआ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। दो और दो मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगु शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगी। बोलो क्या लोग? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखे तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं है। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टैन तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे? मुझे देखते ही सुई चुप गई नीचे। आप कबे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू की आवाज आता है। आप कौन सज्जन है? मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 के बेवकूफ बना चुका है। कुछ देख देख ऋतु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसान मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढमढेरे। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकला। तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लोंडो के सामने दम तोड़ दिया। शह, यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या? मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम ऋतु हो? बहुत अच्छा। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया। तू परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। अच्छा वो आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर
क्यों मना किया उसने? हाँ, क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ये बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है, हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ, वही तो मुसीबत की जड़ थी। ये हिंदू वो क्रिश्चियन, सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। आजा मेरे साथ, ऐसा ही मत रो, आजा मेरे साथ, मेरे साथ तू मत रो, मत रो, मत रो, मत रो मेरे भाई, अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। भैया के आखिरी दिनों के सच बताने के लिए शुक्रिया। इन बिखरी कड़ियों से मेरी जिंदगी भी बिखरी रहती थी। तुम लोगों ने समय की, तुमने भैया से दोस्ती की थी, तो अब मुझसे भी करनी पड़ेगी। बाजू की सीट की बुकिंग मैंने की है। हाँ ओके, लेकिन दूसरे बाजू की सीट मैंने बुक कर ली है। हाँ? कोई बुकिंग वुकिंग नहीं कर सकता, रितु ने टिकटें खरीदी हैं, जो जिसके हाथ में आए वो वहीं बैठेगा। ओके सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ए, रितु का फोन, मेरे रितु का फोन, मेरे रितु का फोन, रितु हेलो हेलो,
अरे नहाने के लिए बाथरूम चेंज किया तो मुझे बताना चाहिए था ना। तेरे लिए ला दे। हाय मारतंड। मारो साले टटिंदर। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। टू मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद। अबे मारू के बच्चे, तेरी खाल तो मैं बाद में उखाड़ूंगा। चौधरी नाटा का सोना लॉकर से बाहर निकाल। आज का भाव बोलो और तोल मोल के माल दे दो जी। मेरे से मटर कस्टिक करता है साला। इतना ओखली में मुंह डाल डाल के कूटने जैसी क्या बात है, झटक से बोलना कितना मिलेगा। कम से कम 3 साल। क्या आप यही तशरीफ रखिए, हम पैसा आपको गिन के अभी देते हैं। ओ कछुए के बाराती हो, जल्दी करो अपने पास टाइम नहीं है। हाँ वो ठग। यही है वो ठग साहब। सर ए, डाल दे इसको डिब्बे में। डिब्बे में मैंने क्या किया है? हिम्मत तो देखो बगले भगत की, पूरे नकली जेवर बेचने चला था तू मुझे। नकली है तेरी एक्टिंग असली है। अरे क्या चल चल ए हाथ नहीं लगाने का, अपन भी पुलिस वाला है। क्या सोच रही थी? सोचती हूँ कि तुम चारों के अलावा भी एक और दोस्त था जो राहुल भैया के बहुत करीब था, वो कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कोई था ही नहीं। हाँ। राहुल के तो आगे पीछे ऊपर नीचे हम ही लोग थे। नहीं कोई और भी था, मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं, पर मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। नाम क्या बताया? जय। राहुल भैया उसे उसी नाम से बुलाते थे, कैसा दिखता है पता नहीं, मगर इतनी नफरत क्यों? वो मेरी अपनी बात है। चलो मान लो कि मैं उसे जानता हूँ और तुम्हें उसे मिलवा भी देता हूँ, तो तुम करोगी क्या? एक जोर का थप्पड़ मारूंगी। तुम जानना चाहती हो जय कौन है? हाँ कौन है? तो हम ही में से एक, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पक्किया? हमारे लिए पक्किया, लेकिन कई लोग उसे जय कह के बुलाते हैं, उसका सरनेम जयवर्धने है ना, तो जयवर्धने जय जय जयवर्धने समझी। अरे प्लीज प्लीज, वैसे इतना बड़ा राज तो है नहीं, फिर भी उसे ये मत बताना कि हमने तुम्हें बताया है। क्या है ना कि जय ये नाम उसे इतना अच्छा नहीं लगता, पता चल गया तो खामखा वो हमारी। लेकिन हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, और जरूरत के वक्त काम आने वाला दोस्त ही जिगरी दोस्त होता है ना? चलो हमेशा के लिए टपका। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। ये छापड़ मारूंगा, पक्किया को टपकाने का फुल क्रेडिट मेरी अकल को जाता है। तुम्हारा पूरा नाम पंकज जयवर्धने है ना? हा? लेकिन और दोस्तों के लिए पक्किया बराबर। हाँ मगर मेरे भैया तुम्हें जय बुलाते थे। जय? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ एक जोर दौर लगाने के लिए आई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो। बहुत मजा आया। साला हमारा पत्ता काटने चला था।
अब ऋतु उसका गला काटेगी। मैं बोला था सालो, मेरे बाल ही नहीं, मेरी अक्कल भी बड़ी है। साला मैं बहुत कमीना ही है। Yes, boys. आज से आप लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि जिगरी दोस्त बन गए हैं। जिसे मिलने के लिए मैं कब से बेताब थी, उसे मिलाया आपने। यही तो मेरा मंगेतर है। मंगेतर? तुमने तो कहा था झापड़ मारोगी, जान ले लोगी और पता नहीं क्या क्या करोगे। ये क्या कर रही हो? जय के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहिए। इतने दिन मुझसे छुपा रहा, सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? पर क्या करूं? जब भी इसे देखती हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है। और तुम इन सब के साथ मिलके मेरी खिंचाई करते रहे। मारो, मारो, मेरी अकल फिसल रही है। मेरी भी। क्या? अरे रितु, तुम्हें निकलना चाहिए ना अभी, वो दादाजी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओह या या, राइट। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल कॉल यू टुमारो, बाय। देखने को बाकी था। निकम्मो, मेरे रास्ते में सांप बिच्छू छोड़ रहे थे, उल्टा वही सांप आके तुम्हें डसा ना। रितु के लिए उसके भाई ने किसको चुना? अपने जिगरी दोस्त को। उस जिगरी दोस्त का नाम क्या था? जय। मैं जय बना किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। अब कल जाके मैं दादा दादी से मिलूंगा, परसों सगाई और फिर शादी। तुम गरीबों के लिए मैं लंगर जरूर रखूंगा। वैसे किसके किसके दिमाग में से निकली थी ये गोटी, प्लीज मुझे नाम बताओ। असली जय ने अवतार लिया तो? अरे तब तक तो शादी हो जाएगी। मैं ऋतु के दिल में प्यार का ऐसा ताजमहल बनाऊंगा कि कोई भी भाई का बुलडोजर उसे उखाड़ नहीं पाएगा। बड़ी आस थी तुमसे मिलने की, आज कलेजे से लगाया तो ठंडक पड़ी। तुम्हारे माँ बाप बाकी परिवार कहाँ है? दोनों नहीं है, सिर्फ बहन है। कहाँ है? नहीं है, मतलब है लेकिन यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जय के बारे में राहुल ने हमें सब कुछ बता दिया था। हाँ। फिर भी उंगली घुमाती रहोगी बेटा? हाँ जी। देखो, तुम्हारे बारे में हमने इतना सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। हाँ। आज देख भी लिया। हाँ। वैसे तो हम लोग दिवाली में ही मिल लेते अगर तुम राहुल के साथ दिवाली में हमारे घर आ जाते, नहीं? हाँ। लेकिन हाँ। तुमने अचानक प्लान बदल दिया इसलिए हम नहीं मिल पाए। और फिर राहुल के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। छोड़ो भी, पिछली परछाई पीछे छोड़ो, अब आगे का सोचना है। मैंने सोच लिया है, हम वही करेंगे जो राहुल ने तय किया था। एक साल बाद ऋतु की पढ़ाई खत्म होते ही हम इन दोनों की शादी करा देंगे। और एक बात, अब तुम पराए नहीं हो, हमारे अपने हो। जो हमारा कारोबार अभी तक लावारिस था उसे अब तुम संभालोगे। मुझे कुछ मालूम, मैं भाई देखो, ये मम करने की जरूरत नहीं है। पूरा ऑफिस बिखरा पड़ा है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो और उतरती पतंग को चढ़ा दो। अरे लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है बिजनेस के बारे में। उसकी चिंता मत करो, मैनेजर तुम्हें सब सिखा देगा। हाँ लेकिन क्या है, वो मेरा खुद का अपना बिजनेस भी है तो। एक तुम्हारा बिजनेस तो चौपट हो गया था, राहुल ने मुझे बताया था। हाँ लेकिन वो तब, अब क्या है कि मैं। अरे अब तब छोड़ो, तुम रोज ऑफिस जाओ, शादी होने तक 1,00,000 रुपए महीना तनख्वाह ले लो। 1,00,000? क्यों, कम है? देखो बेटा, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो और मैं इस परिवार का मुखिया हूं, इसलिए तुम इनकी दादागिरी से हो। हाँ, मैं अभी ऑफिस फोन करता हूं। हाँ एमडी, कल सुबह अपनी रितु के मंगेतर ऑफिस पहुंचेंगे। हाँ, अब वही सारा कारोबार संभालेंगे, उन्हें मालिक की जगह रखो। और सब छोटे मोटे जाड़े पतले सब सवाल मेरे नहीं, उसके जवान कंधों पे दागो। हाँ अरे ध्यान से बेटा, आते रहना बेटा। क्या कर रहे? अभी तुम्हारा ही घर है। अरे
अरे जैन साहब, आपने खुद क्यों आने की तकलीफ की? किसी को भिजवा देते। अच्छा सर, बैंक का सबसे बड़ा खाता आपका है, इसमें तकलीफ कैसी? और आपने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया, इसलिए सोचा मैं खुद आ जाऊँ सिग्नेचर लेने। लाइए, ये लीजिए, मैं साइन करके भिजवा दूंगा। जी सर। अरे गंगाधर। हाँ जी सर। जरा यहाँ तो, वो छोकरा जो अभी यहाँ से गया वो कौन था? सुना है वो इनका होने वाला जमाई है। जमाई? ए, तुम लोग के दिमाग में याद आ शकी कपूर, इतनी जल्दी उड़ गई? लड़की पटाते वक्त क्या तय हुआ था? रितु ने एक को पसंद किया तो बाकी के तीन घोड़े शराफत से मैदान छोड़ देंगे। अब उसे मुझे पसंद किया तो मेरी क्या गलती यार? तुम लोगों को जलन हो रही है, जलन। रितु का प्यार प्यार नहीं, गलतफहमी का शिकार है। झूठ का पर्दा साफ होते ही तेरा लंका दहन हो जाएगा, ये लिख ले। जब उन्हें पता चलेगा ना कि तेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, साले बिना जेब के कपड़े पहनाएंगे तुझे। चक्की पिसवाएगी, इसको इतनी समझ नहीं है रे। अरे रितु को पता चलने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन तुमसे मेरा सुख देखा नहीं जाएगा ना, उसके कान भरने के बाद ही खर्राटे भर पाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तुम्हारी पेट के कीड़े उछल उछल कर रितु को ये बात बताए, मैं खुद ही जाकर रितु के सामने सब सच जुगल दूंगा। दूध का दूध पानी का पानी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, यारी दोस्ती खत्म, गुड बाय। आ गई डायन भाड़ा मांगने। अबे ये कमीनी रोटी की जगह नोट खाती है क्या? मैं तो कहता हूँ ये रूम ही छोड़ देते। तेरे लिए 5 स्टार में रूम बुक करा लूं। जाके कह दे उसे मर गए। ठीक है। नमस्कार, पहचाना? मैं बैंक मैनेजर श्रीनिवास जैन। आपके घर गया था तो आपका नौकर, सॉरी सेवक बोला कि आप यहाँ पर हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। माफ कीजिए, लेकिन मेरा एक पल और रोकना मुश्किल था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप कौन हैं, क्या हैं? बिना जाने मैंने आपके लोन की अर्जी ठुकरा दी। आपको लोन चाहिए था ना? मैं आपको कितना भी लोन देने के लिए तैयार हूँ, बस सिर्फ आप एक बार बोलिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। लोन मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपने 4 मांगा था ना, मैं आपको 8 दूंगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। क्या हुआ इसे, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? ये फूल और मिठाई भी है, असली घी की है। बधाई हो, बधाई हो, कल से आप त्रिपाठी गार्मेंट्स के सर्वे सर्वा हैं और आपका अकाउंट हमारे बैंक का सरताज है। मैं तो गधा हूँ, मेरी गलती की सजा मेरे बैंक को मत दीजिए, प्लीज खाता बंद मत कीजिए। अरे आइए ना, बैठिए, चल मेरे साथ। हाँ इधर आ, एक बात बता, ये मैनेजर तुझे माफी क्यों मांग रहा था? उसने देख लिया था मुझे उसके घर पे, लगाई था मुझे। देख भाई, तेरी जिंदगी तो बन गई, अब हमारी भी जिंदगी बना दे। अगर ये लोन मिल गया ना तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। देखो मैं इस लफड़े में पड़ने नहीं वाला, मैं रितु को धोखा नहीं देने वाला। अरे धोखा तो हम भी नहीं देना चाहते, लेकिन ये जीने मरने का सवाल है ना। और बाद में गंगा नहा के पाप धो डालेंगे, है नहीं? नहीं बस, अब मैं रितु को झूठ नहीं बोलने वाला। क्यों बे, तेरे बाप का नाम हरिचंद्र था क्या? देख देख तू बोल, सच बोल। लेकिन कुछ दिनों के बाद यार, मामू का पैसा नहीं दिया तो मामू खाल की पतंग बनाकर बेचेगा। अब और कितने दिन तक बोलना पड़ेगा ये झूठ? बस लोन मिलने तक। और ये लोन कब मिलेगी? उसी से जाके पूछते। चल। सर, पैसा हाथ में आते-आते कितना टाइम लगेगा? आप बस कल सुबह बैंक आ जाइए, फॉर्म भर के साइन कर लीजिए और 2 हफ्ते में पैसा आपके हाथ में। ठीक है ठीक है, तो हम दोनों आ जाएंगे। क्या टाइम आना पड़ेगा? बैंक खुलते ही 10 बजे आ जाइए। ओके ओके। लेकिन इन्होंने मुझे अब तक माफ नहीं किया। अरे कर दिया माफ, हम लोग का दिल बहुत बड़ा अंकल, हम लोग ने उसी दिन आपको माफ कर दिया था। हम लोग आते हैं यहां कल, बाय बाय। अबे हट, चले यू कम हियर। किस कुत्ते ने छुआ था कल आप उनके भाई को? भाई आए नहीं निकम्मे आज, वो आए तो ये नंबर दे देना और बोलना कफन सिलवा के तैयार रहे। बोल घर पे भिजवा दूं या ऊपर पहुंचाने के बाद पहनवा दूं। चल भाई। सर आप कभी मिले अपने नए एमडी साहब से? नहीं मिस्टर जय से अभी तक तो कोई मुलाकात हुई नहीं, सिर्फ नाम ही सुना है। 10 बजे बोला था आते ही होंगे। राहुल साहब ने रितु की शादी इसी लड़के के साथ तय की थी, मिस्टर जय के साथ। ये लो आपके 100 रुपए हैं। इस तरफ
जा रहे हैं साले। क्या हुआ? वो कोरा चिट्टा गुरिल्ला जो वहाँ खड़ा था ना, वो मेरा जीजा है। हाँ, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो भी लोन हाथ से जाएगा, और नहीं गया तो भी लोन हाथ से गया। तो अब क्या करें? अरे सुन, अब से ऑफिस का जय तू और घर का मैं। अरे लोन चाहिए कि नहीं? अरे मुझे तो ऑफिस का आ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं यार, ओके थैंक यू, बाय बाय, गेट मी कॉफी, इतना तो आता है ना, बोलते रहे बस। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे यार तू सुन, आई विल सी इट, ऐसे करके पेपर्स घर ले आना, मैं साइन करके तुझे वापस दे दूंगा, बस खत्म हो गई बात यार, कुछ करना नहीं है इसमें। और ऋतु का फोन आ गया तो? अरे ऋतु का फोन आया तो बोल देना मुझे, मोबाइल पर फोन कर दे, और क्या, चल कार निकल, मैं शर्ट निकालता हूँ, चल 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 जल्दी, बात मत कर, बात मत कर। ऐसा लगता है यही अपने साहब है ये। हाँ, अभी तो ये आने वाले थे। पता नहीं कैसे बॉस है। मिस्टर जय, वेलकम। हेलो, या वन सेक। सोफी, कुछ बात करनी है। तुम? मैं ऋतु त्रिपाठी, राहुल की बहन। कौन राहुल? वही राहुल जिसे तुम बेहद प्यार करती थी। गुड मॉर्निंग सर। सर, दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड। हिंदी में बात नहीं कर सकते? हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो तुम खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? अरे तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। बुधवार गए? हाँ हाँ जी, जाओ जाओ। जाओ ना यार तुम। नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। सर साइन हो गई? अरे नहीं यार, ये नमूना त्रिपाठी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी ऋतु के लिए, आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। अरे सर, आया जब से चपरासी को भेज कर कुछ ना कुछ खाने को मंगवाता रहता है, अखा दिन चढ़ते रहता है। अच्छा, लेकिन वो कहते ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या हाथी क्या मोर, सब बने गधे के कदरदान। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना, पांडे जी पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए, यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, है? फिर थोड़ी रातरानी चटनी, थोड़ा नवरत्न किमाम और कत्था है, कत्था असली अरारोट नहीं। ओए होए, फिर जो पान लगे साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगा जाता है, तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगा जाता है। ये उठपटांग बातें तुम्हें किसने बताई? राहुल भैया के करीबी दोस्तों ने। तुम्हारी बातों में सच्चाई है रितु, मैंने प्यार किया था और शादी भी करने वाली थी,
लेकिन जय से, राहुल से नहीं। जय, राहुल भैया का जिगरी दोस्त जय? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। रितु, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जय की और मेरी शादी होने वाली थी, राहुल भैया ने तय की थी। मालूम है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जय मुझसे प्यार करता है। ओह, तो जय तुमसे प्यार करता है? बेशक। तो प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं की? जिंदा होता तो जरूर करता। जय जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। नहीं रितु, तुम्हारी बात करवाओ उसे अभी के अभी, तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है, तुम चलो मेरे साथ। सर, रितु मैडम का फोन है। उनका फोन है तो उन्हें दे, क्या हो, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, उनसे बोलो मोबाइल फोन करें। नहीं, आपका मोबाइल लग नहीं रहा है इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। तो उनसे बोलो मोबाइल जोर से पटके, या तो मोबाइल को लगेगा या वो मैडम खुद को लगेगा। आपकी क्या लड़ाई हुई है उनसे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। लड़ाई हुई उनसे? नहीं, वो बात करना चाह रही है, बहुत अर्जेंट है। देखिए, मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ। हाँ हेलो, वो जूस पीने में बिजी है। सतगोले से कह रही है, अर्जेंट है। अरे जाओ ना यार, फोन क्या, मैं सांस भी नहीं ले सकता, जाओ जाओ। वो आपसे ऑफिस मिलने आ रही है। अरे जाकर, मेरी बात तो सुनिए, अगर वो आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? उससे कहना कूद कूद के मर जाए। कुछ गड़बड़ है। जय साहब कहाँ हैं? अभी अभी भाग गए। क्या? हाँ, जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप आने वाली हैं, वो ऐसे भागे जैसे भगवान से भूत। मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भागे क्यों? I don't know. मैंने बोला था ना, ये जय हो ही नहीं सकता, ये कोई फरेबी है। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये मेरी कहानी है। जय और मैं अनाथालय में एक साथ पले बड़े थे। 18 साल के बाद हमें अनाथालय से तो छुट्टी मिली, लेकिन फिर जय का भी एक जगह ठिकाना नहीं बचा। क्या करता था, कहाँ जाता था, पता नहीं। मिलने आता था कभी कभार, लेकिन तोहफे हमेशा भेजता रहता, और फोन्स वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। एक दिन मुझे यहाँ लेकर आया और बोला, आज ये घर तुम्हारा है। वाओ, और तुम? मैं तो बचपन से ही तुम्हारा हूँ ना। कहने के लिए, ना साथ रहते हो ना शादी करते हो, कहाँ भागते रहते हो मुझसे दूर। अरे कुछ ही दिनों की बात है, जिकोमो का आखिरी काम बाकी है। जिकोमो? जिकोमो? जिकोमो कौन है? जिकोमो? जिकोमो मेरा बॉस है, उसे कहूंगा मुझे अपनी चुंगल से आजाद करो, ताकि मुझे तुम्हारी हिरासत में आना है। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो और शादी की शॉपिंग दिल खोल के करो। और तुम? ये देखो किचन, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम किसी से कुछ भी मत कहना, हमारी शादी, इस घर के बारे में कुछ भी नहीं। क्यों? कब, कहाँ, कैसे, सवाल बहुत है और समय कम। मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। हमारा बचपन बहुत मुश्किलों से कटा है सोफी, लेकिन अब मैं अपनी आगे की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहता हूँ, बस थोड़ा इंतजार। लेकिन इंतजार बढ़ता ही गया। जिकोमो का आखिरी काम निपटा के जब वो मुंबई से यहाँ आया, तब भी वो तुम्हारे भाई के यहाँ ही ठहरा था। अरे राहुल, मेरा लगेज कहाँ रखा तूने? ऊपर वाले कमरे में, आज से वो कमरा तेरा। यार यकीन नहीं आता, तूने अपना सारा बिजनेस बोरिया बिस्तर में समेट लिया। मुंबई के ठग मुझे कफन में लपेटे निकले थे, और कोई चारा नहीं था। मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, उनसे टक्कर नहीं ले पाया। घर बार, प्रॉपर्टी, ऑफिस सब बेचकर यहाँ आया हूँ। अब तो मुंबई के नाम तक से भी तौबा। अबे तो अब क्या करेगा, कुछ सोचा है? सोचा है ना, वही तो डिस्कस करने आया हूँ तेरे साथ। देख, मेरे साथ कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा काम शुरू कर दे मेरे साथ, समझा? लेकिन तेरा तो फैमिली बिजनेस है ना। हाँ, तो मैं ऑलरेडी तुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना चुका हूँ, फिर मेरी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं समझा नहीं। सुन, रितु मेरी गुड़िया है, मेरी जान है, तू जानता है। मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने उसकी परवरिश बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह की है। इसीलिए जब भी उसकी विदाई के बारे में सोचता हूँ, किसी अनजान पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैंने तो तय कर लिया है, मेरी रितु के लिए किसी पराए फरिश्ते से अपना भूत बेहतर। बहुत अच्छे, कौन है वो भूत? तुम। मैं? हाँ, मुझे याद है, मैं शहर में नया था,
हम अजनबी थे, किस अपनेपन से तुमने मेरी मदद की, मुझे अपना दोस्त बनाया। तभी से सोच रहा हूं मेरी बहन के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसके दिल में इतना प्यार भरा हो। हे, जल्दबाजी मत कर। तू चुप बैठ। पिछले 6 महीनों से ऋतु के कानों में तेरा इश्तेहार बजाया जा रहा हूं मैं। मुझे मालूम है तुझसे मिलने के लिए बेचैन होगी वो। परसों दिवाली है और तू मेरे साथ घर चल रहा है, ये बात दादाजी को भी पता है। दादी तो पता नहीं सुपरमार्केट से अब तक तेरे लिए क्या क्या लेकर आई होंगी बनवाने के लिए। यार, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं राहुल? क्योंकि मेरा हक बनता है। बात जब मेरी छोटी गुड़िया की और तेरी हो रही है तो मेरा हक बनता है। तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो यार, जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं खा सकता हूं। देख तू नहा ले जल्दी से, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जय। देखो कौन आया, राहुल। हाय। हाय राहुल, यह है सोफी, मेरी जान, मेरी जिंदगी। अच्छा हुआ आप इन्हें साथ ले आए, कब से मैं आपके बारे में सिर्फ सुना ही करती थी, आज आपको मिल भी लिया। चलो अंदर चलो, खाना तैयार है। नाराज हो? कहलाते हो जिगरी दोस्त और इतना बड़ा राज भी छुपाते हो। Why man? मेरा तो सांस लेना भी एक राज है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। हाँ तो पहले ही बता देना चाहिए था ना यार, रितु के लिए मैं इतने सारे सपने तो नहीं बुनता। यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम दिवाली के लिए अपने गांव जाओ और अपनी बहन से कहो कि जय अपने काम में थोड़ा सा बिजी है, ओके? तब तक हम उसके लिए मुझसे 1,00,000 गुना अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। अभी मुझे माफ करो और अंदर चलो, वरना सोफी जो है वो छुरी काटा लेके हमारे पीछे पड़ जाएगी, ओके? ना कम ऑन कम ऑन। क्या आप राहुल त्रिपाठी हैं? जी हाँ, क्यों क्या हुआ? क्या आप इन चीजों को पहचानते हैं? हाँ, ऐसी घड़ी जय के पास भी थी। जय? जयशंकर यादव, माय फ्रेंड। क्या हुआ? पंचगंगा नदी से एक बॉडी मिली है, उसकी जेब में आपका कार्ड था। आपको थोड़ा चेक करने के लिए हमारे साथ आना होगा। पुलिस समझ नहीं पाई है कि खुदकुशी थी या ऐसा करने की कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अपने आप को संभालो सोफी, प्लीज। ये उसका कुछ सामान पड़ा था मेरे पास। तब से इस घर को जो ताला लगा, आज मैंने तुम्हारे सामने खोला है। राहुल ने उस दिन के बाद ना मुझे फोन किया ना मुझे मिलने आया, बस यही खबर आई कि दो करीबी दोस्त जिंदगी के बाद भी करीब रहे। तो फिर वो लड़के मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाय जय। आप? सोफी, मुझे नहीं जानते? पानी पानी हो रहे हो शर्म से, क्यों? पानी? पसीना होगा। चलो ना गप्पे लड़ाते हैं, बैठिए ना। नहीं बताइए ना, आप कौन है? आप राहुल को तो जानते हैं ना? तुम्हारा जिगरी दोस्त राहुल, और मुझे नहीं जानते? मेरी राहुल से शादी होने वाली थी लेकिन मैंने उसे धोखा दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। याद आया कुछ? ऑलराइट। अरे तुम तो घुसती चली जा रही हो, हमें कोई साबुन चाय पत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। चल फूटो यहाँ से, चल फूटो यहाँ से, हमें कोई सोफा सूफी खटिया खट्टू खट्टू है। Hey!
रितु सच में हम बहुत सच सुन चुकी तुम्हारे, मगर रितु हम लोग तो बताने ही वाले। शट अप, नाम मत लो मेरा। तुम्हारी सबकी आवाज मुझे डसती है, घिन आती है मुझे तुम सबके नाम से और चेहरे से। दुख ये नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, पर मैंने कैसे विश्वास कर लिया तुम जैसे लफंगों पे, मूर्ख तितली जैसे अपने आप ही जाल में आ फंसी। मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा बड़े धोखेबाज नहीं देखे। अरे शर्म आनी चाहिए थी इतना घिनौना फरेब करते हुए। गंदे गटर के कीड़ों से भी गंदे निकले तुम दोस्त मेरे। अरे कचरे के ढेर में लेटे हुए शराबी को भी तुमसे ज्यादा वजूद होगा। और हाँ, ये सोचने की जरूरत भी मत करना कि मैं रोज होके तुम्हें माफ कर दूंगी। रितु, वो हमारी जूता उठा के मारूंगी अगर मुंह खोला तो। अब ये सारी सफाई पुलिस स्टेशन में देना, पुलिस स्टेशन मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। मेरा नाम ज़िकोमो है, इंस्पेक्टर ज़िकोमो। अरे इतनी जल्दी? वो अभी तो गई। हाँ, अभी तो गई। कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों से? जानकारी हम लोग, देखिए इंस्पेक्टर, हम सच बोल रहे हैं। वो सच बोलना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ नहीं, थाने में। चलो। थाना थोड़ी है तो कबाड़ खाना है। हाँ, यहाँ क्यों लाया हमें? यही मेरा पुलिस स्टेशन है और यही मेरा कोर्ट, जो मैं चाहूंगा यहाँ होके रहेगा। तू है कौन रे? सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब देना तुम्हारा। और सवाल है, क्या तुम लोग जयशंकर यादव को जानते हो? हाँ। क्या क्या जानते हो उसके बारे में? मतलब क्या है? मुझे बस एक ही बात जाननी है। क्या? ढोल कहाँ है? ढोल? कौन सा ढोल? कहाँ का ढोल? मुझे मेरा ढोल चाहिए। साले तू ढोलकिया है क्या? ये ढोल बोल गोल बोल हमें कुछ नहीं मालूम। हाँ, तू फालतू तंग मत कर। नीचे उतारो प्लीज, प्लीज माफ कर सब मुझे नहीं मालूम। अरे मारुति भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे वो तो मेरे भी नहीं देखा भाई। अरे उतार दो, उल्टी आ रही है। अरे छोड़ दो, अपने ढोल नहीं देगा। अबे थोड़ी ढील तो दो, मेरा सर चकरा रहा है। मैंने ढोल नहीं देखा बाप का सब। अरे हयात कोई है सुनने वाला? ये उतार लो, ये मेरे को नीचे उतार लो। ये मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नीचे उतार लो, उठा लो। ढोल इस मुट को दे देते हैं। दे देते हैं? अबे कहाँ से देगा खुदे? कहीं तो किसी कमीने की मौत की शादी या मैयत हो रही होगी, वहीं से उठा के इसके सर में मार देंगे कमीने के। झलक दिखा इन लोगों को, किधर है मारू? क्या किया हमने उस नमूने के साथ? इसको क्यों खोल रहे? हम लोगों को भी खोल, हम लोगों को भी दे। अरे छोड़ो उसे। अरे निकालो उसे। अरे बाहर निकालो उसे। तेरे नहीं आता। ए निकालो ना, निकालो बाहर, निकालो उसे। अरे बाहर निकालो, छोड़ दो भाई, कुछ नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ।
से बाहर निकालो। इसे कुछ हुआ तो तुम हमें मार भी डालो तो हम मुंह नहीं खोलेंगे। फिर तुझे ढोल कभी नहीं मिलेगा। हाँ तो बताओ कहाँ ढोल? पहले मारू को लेकर आओ। एक को झलक दिखा के छोड़ दिया काफी नहीं है क्या? या तो बता दो कहाँ है ढोल या फिर मारू का चेहरा भूल जाओ। वो ढोल चाहिए तो मारू को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मैंने ढोल उसे ही दिया है। हाँ। वही बेवकूफ जानता है कि ढोल कहाँ है। लेके उसे। यहां से बाहर निकलना होगा तो ऐसे दे देते हैं। किसे? क्या क्या ढोल? याद है मैंने तुझे दिया था? कब? आग क्यों मार रहा है? कचरा गया है यार, तू नाटक बंद कर, यहां जीने के लाले पड़े। चल जल्दी बता ढोल कहां है। या तो मैं पागल हो गया हूं या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तू देता है कि नहीं? तू देने वाला है कि नहीं ढोल? देता हूं तुझे, कलपति में खींच के देता। अच्छा, चल चल बता कहाँ छुपा के रखा है। चल बता। हा? मुझे कुछ मालूम नहीं यार। तू सही बोल रहा है मारू, ढोल इन कमीनों को मत देना। कोटी तू बीच में टांग मत मार। मारूंगा, ढोला मारा है हम पोकट में किसी और को क्यों दे? जिंदा निकलना इस नरक से इसलिए। तो कोई और भी रास्ता होगा। मारू तू किसी को कुछ मत बताना, मैं तेरे साथ हूं। एड़ा हो गया ये, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये गधे क्यों बोल रहे हैं? एक किस ढोल के लिए भौंक रहे हैं? अपना गटर बंद रख, मारू यहाँ से भागना है कि नहीं? एक्टिंग है। दादा ये वही लौंडे हैं। पकड़।
बोरा ए वो देख उधर है उधर चल आजा आजा गाय का दूध पिया तो आजा 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 है किसी भाई का लाल में दम तो आओ सालों उंगली उठा के दिखाओ हमारे साथ हमारी फौज है ओवर एक्टिंग मत कर साले लगता है कम वक्तों का तगड़ा झुंड है साला उनके साथ अभी अभी डराते हैं चल अभी ढील दे बाद में काटते हैं पुलिस का लफड़ा नीचे है जितनी जल्दी हो सके आप इन लोगों का पता लगाइए यही है वो मुझ पर अंदर मारने वाला यही है ये है वो खच्चर जिसने मुझे सरे बाजार पिटवाया था ये पूरी चंडाल चौकड़ी वही है इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है इन्हीं सरफिरों ने राहुल भैया का खून किया होगा पकड़ो सालों को गोटी कल्टी दौड़ते दौड़ते पेट पेट में मिल गया अब और नहीं दौड़ सकता ये कैसा तमाशा एक तरफ से पुलिस पीछे पड़ी हुई दूसरी तरफ से बाइक वाला गैंग पीछे पड़ा हुआ है और तीसरी तरफ से ये मुगम्बो अबे मुगम्बो नहीं बे जिको मो हां भाई भाई मुगम्बो अरे अब जाए कहां करे क्या यहां से भागेंगे तो आगे शमशान में खोपड़ी फूटने तक भागना ही पड़ेगा मुंह छुपाते ए भाई मेरे को तो डर लग रहा है डर कैसा डर हमने तो कुछ किया ही नहीं अरे वो सिर्फ हमें मालूम है दुनिया की नजरों में तो हम दुर्योधन के बाप है किसी के लिए खूनी किसी के लिए फरेबी तो किसी के लिए ढोल चोर अरे साला ये मकड़ोल है क्या और कहाँ है चपोर संख अगर मुझे पता होता इतनी मार खाता मैं वापस जा रहा हूँ रितु को सब सच बताने तेरी सुन के अभी अभी तो जाके आए क्या हुआ तब पुलिस थी अब मिलिट्री होगी और वो फुलन दादी तो होती है चलेगा मैं जाऊंगा सच बताऊंगा और माफी मांगूंगा यकीन करना न करना उनके हाथ तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ तू जा जब उन्हें यकीन आ जाए तो टेलीग्राम कर देना हम लोग आ जाएंगे ठीक है हाँ जी हेलो आप मुझे नहीं पहचानते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आप मेरा नाम जिकोमो है और मुझे एक ढोल की तलाश है क्या ढोल जिकोमो ने रितु को उठा लिया उसी पेट्रोल पंप में ले गया होगा अब क्या उसे बचाना तो पड़ेगा ना अरे मुंह मत खोल एक बार मौत के मुंह से निकल के आ गए बहुत मुश्किल है अब किसकी मदद ले पुलिस को बता दे पागल बेवकूफ इंसान शौक चढ़ा जेल जाने का तुझे जेल जाने का शौक चढ़ा क्यों रहा पागल चिल्ला मत सुन मेरे दिमाग में कुछ है यह है पता आपको सोफी के बारे में जानना था ना वो अभी इस वक्त इस बंगले में ही है तो बुड्ढे तुझे ढोल के बारे में कुछ नहीं पता हाँ किस ढोल की बात कर रहे हो हमें कुछ नहीं मालूम मालूम नहीं ये सच है या दिखावा मैं कोई हनुमान नहीं हूं कि छाती फाड़ के तुम्हें राम दिखाऊं तुम्हें जो समझना है समझ लो
साले माइकल दादा, तूने यहाँ अपना नंबर छोड़ा और हमें फोन करने को बोला, वरना तुम हमारे कफन से लाओगे। हाँ, तेरे भाई ने हमारे हाथ की गर्मी देखी है, अब तेरी बारी है। और साले, अगर एक बाप का है ना तो तेरा मिल वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, तेरा दूसरा बाप वहां पे। सुनो, साथ में कफन ले आना, हमारे काम आएगा। साली, तेरी लाश को ढकना तो पड़ेगा ना। मुझे भी दे, मुझे भी दे। डाल डाल, पैसा डाल, पैसा डाल, पैसा डाल। हेलो, हाँ मामू है। हाँ, पता है कौन है फोन पे? तेरा कॉल है। नौकरी गई ना, अब तू तेरे पैर भी कमाएगा। साले, क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी है? साले, रिश्वत खाका के पैसा कमाया है। साले, तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा है। सुना है तुझे एक खच्चर की तलाश है? तू साले मेरे पास आना तो तुझे कानी कान ऐसा बजाऊंगा कि साले तू बहरा हो जाएगा। मैं कहा हूं, अगर हिम्मत है तो तेरा मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। है साले, तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना, भाग तेरी माँ का नाका मामा। ए बुड्ढे, सुन, पहले भी मुझे दो आदमियों ने ऐसे मुंह फाड़ के जवाब दिया था। जानते हो क्या हुआ उनके साथ? एक था आपका अपना पोता राहुल, उसे बंद कर रेलवे ट्रैक पर फेंका मैंने, लेकिन ऐसा लगा खुदकुशी की उसने। और दूसरा उसका दोस्त, मेरा अपना आदमी जय, खबर ही निकला साला, मेरे लेन देन की खबर पुलिस को फोड़ी, उसे भी बांधा था लेकिन फेंका पानी के ड्रम में। थोड़ा सा बदलाव लाइफ में जरूरी है, नहीं? और इस वक्त आप लोग भी बंधे हैं, तो सोच लो। ढोल हमारे पास है। कहाँ है? तेरे जेब में? नहीं, बाहर है। हाँ। लेकिन पहले इन लोगों को छोड़ दो। हाँ। कोई नया खेल है ये? नहीं, ढोल है हमारे पास और उसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं। ढोल ले लो, लेकिन पहले इन्हें छोड़ लो। हाँ। खोल दो। क्या मुसीबत है, घबराओ नहीं। कहाँ है ढोल? आ रहा है, आ रहा है। पैर फूटे हैं तो चल के आ रहा है? नहीं नहीं, अब लेकर आ रहे हैं। कौन, तेरा बाप? नहीं पापा। नहीं नहीं नहीं, इसका मामा। हाँ, 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 इसका। हाँ, देखो देखो आ गए, आ गए। देखो देखो आ गए, देखो। La 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 la.
किसी ने हिलने की भी कोशिश की तो आग लगा दूंगा, सब जल के राख हो जाएगा। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। दादाजी यहाँ आइए, तू नीचे कर। दादी इधर आइए, इधर आइए। ए पक्या साले एड़े, तू मेले में आया क्या? जा जाके गाड़ी लेके आ, हाँ जल्दी आइए आइए, चलो आइए। लवन कोई नहीं रहेगा तुम लोगों से, सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो, पैर में खिला भर के खड़े रहो। बैठ जाओ, हिलना मत वरना मैं लाइटर फेंक दूंगा। जा तू उधर, बैठ बैठ जा 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 जा, इधर मत आ यार, चल जाएगा। मुझे भी तो बिठाओ, हट हट, चल मुझे भी तो बिठाओ, चल 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 इधर, चल मुझे भी तो बिठाओ। मेरे लिए जगह मेरे लिए कर मसालो, तू चल ना आ जा। तो इंसान रहते हैं यहां पर, मुझे लगा खाली भूत बंगला है। और सॉरी कांच तोड़ने के लिए। अरे डरिए मत, कुछ नहीं करने वाला मैं, मुझे बस वो ढोल चाहिए और कुछ नहीं। कौन सा ढोल? जिससे भी पूछो यही बकवास करता है, कौन सा ढोल, किसका ढोल, कैसा ढोल, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कहां है ढोल, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम सच। झूठ झूठ झूठ, मैं जानता हूं अपना सारा सामान तुम्हारे पास छोड़ कर गया है। और कहां छोड़ता बेचारा, नहीं? और यह बात मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जब उसकी जान ले रहा था तब वो बार बार चीख चीख कर तुम्हारा नाम ले रहा था। कुछ बैगेजेस हैं मगर ढोल नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो, इसके बाद बताना चाहोगी फिर भी नहीं बता पाओ क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। सूफी भाग,
है सारे कारनामों की जड़। पता नहीं इस ढोल के पीछे इतना महाभारत क्यों हुआ। ला मुझे दो। ये लो, ये रहा तुम सबका तोहफा, हमारी दोस्ती याद रखना। फिर कब मिलोगी? डेढ़ दो साल बाद मैं रितु को यहाँ भेजने वाला हूँ कारोबार संभालने। फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में, नहीं तू हट, इन तीन चोरों में से जो सबसे ज्यादा मालदार और तगड़ा हो, हट, शादी का घोड़ा उसके यहाँ पहुंचा। बाय, टेक केयर। बाय। नहीं चाहिए ढोल बोल, ले तू रख। मुझे कहाँ बजाना आता है, तू रख। अरे ढोल की जरूरत मारू को है, इसे गले पे लटका कर चौक पे चिल्लर मांगना शुरू कर। मामा का उधार जो चुकाना है। इस ढोल ने बैंड बजा दी मेरी, मुझे नहीं चाहिए तेरी ऐसी। अरे इसके तो पैसे, अरे अरे ये तो ढोल का चक्कर था, हम लोग समझ नहीं पाए यार। Established by her own girls, I don't give a damn as long as she's lavish. Anything I want, she knows I must have this. Take me holiday in resorts, treat me like I'm a king of some sorts. I need a lady with the fattest account, so many bitches that I cannot count. वैसे तो हजारों यहाँ रूप की बलाएं होंगी, देखते रहे हम जिनको कहाँ वो अदाएं होंगी। Yeah।